हरे कृष्णा। नमो भगवते तस्मै यस्य प्रियतमातिथिः एकादशी द्वादशी च सर्वाभीष्ट प्रदानृणाम्। अर्थात जिनकी परम वल्लभा एकादशी एवं द्वादशी तिथि मनुष्य मात्र को संपूर्ण वांछित फल प्रदान करती है, उन श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रत्येक वैदिक शास्त्रों और ग्रंथों में एकादशी तिथि की विशेष महिमा बताई गई है। इसका एक प्रमाण है संत तुकाराम महाराज द्वारा कही गई ये सुंदर बात। वो कहते हैं कि जिसे एकादशी व्रत पालन करना अच्छा नहीं लगता, वह तो जीवित रहते हुए भी नरकगामी है। ऐसे व्यक्ति को तो नरक लोक से भी भयभीत रहना चाहिए, और जो एकादशी व्रत का पालन करता है वह एक पुण्यात्मा ही है। तो ऐसी ही परम मंगलकारी एकादशी तिथि फिर एक बार हमारे द्वार पर आ चुकी है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी तिथि को लेकर कई लोगों के मन में संशय आ चुके हैं कि ये एकादशी 22 को है या फिर 23 को। तो चलिए आज फिर एक बार हम आ गए हैं शास्त्रों से आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस बार आने वाली मोक्षदा एकादशी का पालन हम करेंगे 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5:45 और सूर्योदय होगा 7:21 पर। अगले दिन द्वादशी पर यानी 24 दिसंबर रविवार के दिन व्रत पारण करने का समय है 7:22 से लेकर 10:44 के बीच में। एकादशी का पारण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है, और ऐसा ना करने से व्यक्ति का एकादशी व्रत पालन फल नष्ट हो जाता है। इसलिए ध्यान से निर्धारित पारण समय पर ही एकादशी व्रत का पारण करें। अब यहाँ पर कई लोगों के मन में संशय है कि आखिर ये एकादशी 22 दिसंबर को है या 23 दिसंबर को। तो देखिए, वास्तव में इस एकादशी का प्रारंभ इस बार हो रहा है 22 को सुबह 8:16 पर, और एकादशी तिथि बनी रहेगी 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन 7:11 तक। अब क्योंकि हमारे वैदिक कैलेंडर में दिन और तिथि की शुरुआत सूर्योदय से मानी जाती है, इसलिए 22 तारीख को भले ही एकादशी तिथि शुरू हो रही है लेकिन वो सूर्योदय के बाद हो रही है, इसलिए 22 दिसंबर को हम एकादशी का पालन नहीं करेंगे। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उसी दिन करनी चाहिए जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय उपस्थित हो, लेकिन 22 तारीख को वो सूर्योदय के बाद आ रही है। इसीलिए यही कारण है कि हम एकादशी का पालन 22 को नहीं 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन करेंगे। ये वही विशेष एकादशी तिथि है जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपने प्रिय सखा अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया था। जी हाँ, मोक्षदा एकादशी को ही हम गीता जयंती के नाम से भी जानते हैं। इसी एकादशी तिथि पर इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे पवित्र, सबसे महान और सबसे पुरातन दिव्य उपदेश सुनाया गया था। भगवद गीता का संदेश सिर्फ एक संप्रदाय, जाति या समूह के लिए नहीं, अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण हेतु है। यही तो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति की महानता है कि वो संपूर्ण मानव समाज को एक सूत्र में बांधती है। इस बार गीता जयंती पर हम आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवत गीता एक ऐसा जीवन का मैनुअल है जिसको अगर एक बार समझ लिया जाए तो आपके जीवन में आपने सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, और इस बार हम आपको इसी भगवत गीता के ज्ञान को समझने का अवसर दे रहे हैं। आपके लिए एक 18 सत्र का भगवत गीता क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं। इस्कॉन लुधियाना के साथ मिलकर हम ये प्रयास आप सबके लिए करने जा रहे हैं, जिसमें 18 सत्रों में भगवत गीता के 18 अध्याय का सार आपको मिलेगा, और वो भी इस्कॉन के नामांकित वरिष्ठ भक्तों के द्वारा। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध। इस कोर्स के पूर्ण होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, और उसके साथ साथ श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप भी आपको अपने घर पर भेजी जाएगी। तो ज्यादा सोचिए मत, अभी जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ दिए गए लिंक से अपने आप को भगवद गीता कोर्स के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज या फिर ऑडियो मैसेज पर संपर्क कर सकते हैं। आने वाली गीता जयंती के विशेष उपलक्ष में अगर आप भगवद गीता के लिए दान देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट geetadaan.in पर जाकर भगवद गीता के प्रचार और वितरण के लिए दान भी दे सकते हैं। तो चलिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले इस पुण्य प्रदायिनी और परम मोक्ष प्रदान करने वाली मोक्षदा एकादशी का पालन भगवत गीता के अध्ययन के साथ और उसके वितरण हेतु दान के साथ करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा।